फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का हॉर्नबिल का फोर्थ चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसे लिखा है नैथली ट्रोवेरोय ने। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दे, क्योंकि इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू डोजाई हु लिव्ड इन 18th सेंचुरी। तो ये जो चैप्टर है ये एक टेल स्टोरी बता रही है, कहानी बता रही है एक पेंटर की, जिसका नाम वू डोजाई था, जो कि 18th सेंचुरी में रहा करता था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशन बाय द टैंग एम्परर यूएन जोंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। तो उसकी जो लास्ट पेंटिंग थी वो किसने बनवाई थी, तो टैंग यूएन जोंग ने बनवाई थी एक पैलेस वॉल डेकोरेट कराने, पैलेस वॉल पर लगवाने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। तो जो मास्टर थे जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी वो इस तरह से उन्होंने बनाई थी कि जो एम्परर था वही सिर्फ इसे देख सकता था उसके स्क्रीन के पीछे बन। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन डिस्कवरिंग फॉरेस्ट हाई माउंटेन्स वाटरफॉल्स क्लाउड्स फ्लोटिंग एंड इमेंस स्काई मेन ऑन हिली पास बर्ड्स इन फ्लाइट। तो जो एम्परर थे वो उस पेंटिंग्स को हमेशा निहारते रहते थे उसकी खूबसूरती को देखकर, उसमें फॉरेस्ट देखकर, माउंटेन्स क्लाउड्स और हिली पास बर्ड्स को उड़ते हुए देखकर उसे निहारते रहते। लुक सर सेड द पेंटर इन द केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। तो जो पेंटर है उसने एम्परर से कहा कि देखिए सर, इस पे जो माउंटेन है इस पेंटिंग में उसके फुट पे एक स्पिरिट है, उसके निचले हिस्से में एक स्पिरिट है। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. तब जैसे ही पेंटर ने ताली बजाई वैसे ही वो केव का दरवाजा खुल गया। The inside is splendid beyond anything words can convey. और अंदर जो थी इतनी खूबसूरती थी कि हम उसे वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। Please let me show your majesty the way. The painter entered the cave but the entrance closed behind him. And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting has vanished from the wall. तो यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे ही पेंटर ने उस केव के अंदर एंटर किया तो एंट्रेंस जो है क्लोज हो गए, और उससे पहले कि एम्परर कुछ बोलते हैं वो पेंटिंग वहां दीवार से गायब हो। Not a trace of wood or a brush was left and the artist was never seen again in this world. तो वैसे ही फिर हुआ क्या कि जब पेंटिंग गायब हुई तो ना तो उसका ब्रश कभी देखा गया, ना तो थोड़ा सा भी ब्रश लेफ्ट वहां पे बचा जो पेंटिंग बना के रखा था उन्होंने, ना तो वो जो वुडोज आए थे जो पेंटर वो दुनिया में कभी देखे गए। सच स्टोरीज प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। ऐसे स्टोरीज को चाइना में क्लासिकल एजुकेशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड जोहांगी आर फुल ऑफ देम, दे हेल्प द मास्टर टू गाइड द हिज डिसिप्लिन इन द राइट डायरेक्शन। तो जो बुक्स है कॉन्फ्यूशियस और जोहांगी वो इन सभी बातों से, इन सभी तरह की चीजों से फुल है, और ये किसी भी मास्टर को हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए राइट डायरेक्शन में। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट विच द आर्ट वॉज कंसिडर्ड। ये तो एक छोटी सी इंसिडेंट बताया गया है, लेकिन चाइनीज लोग जो थे मानते थे कि जो पेंटिंग्स होते हैं उसमें सच में स्पिरिट्स होते हैं। कंट्रास्ट द स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय नेटिव फ्लैंडर दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। यहाँ पे जो नैरेटर है वो वेस्टर्न पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग के बारे में बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वेस्टर्न पेंटिंग जो है उसके जो पेंटर्स थे, एक पेंटर के बारे में एक इंसिडेंट बताया जा रहा है कि उन्होंने ड्रैगन जो बनाया था उसका उसके आई नहीं बनाया था, क्योंकि उन्हें बिलीव था कि अगर वो आई उसमें बन जाएगा तो वो जो ड्रैगन है वो पेंटिंग से उड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो डिफरेंस बता रहे हैं वेस्टर्न पेंटिंग और चाइनीज पेंटिंग के बीच में, और वो रिप्रेजेंटेशन जो होता है वेस्टर्न पेंटिंग का बहुत ही डिफरेंट होता है किससे, तो चाइनीज पेंटिंग से। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड द क्विंटन मेस्टर्स फेल इन लव विद अ पेंटर डॉटर द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। तो 15वीं सदी में एंटवर्प
की जगह में एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम क्विंटन था, जो कि एक पेंटर की डॉटर से जिसको प्यार हो जाता है, और जो उसके फादर हैं वो जो लड़की के पिता हैं वो ऐसे सन इन लॉ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो एक ब्लैक स्मिथ हो, ऐसे प्रोफेशन में हो। सो क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। तो क्विंटन जो था वो क्या किया कि पेंटर स्टूडियो में चला गया और एक फ्लाई की, एक मक्खी की पेंटिंग्स बना दी, और जब मास्टर ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि सच में आ मक्खी बैठी, और उसने उसे उड़ाने की कोशिश की, और उन्हें तब रियलाइज हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पेंटिंग है। क्विंटन वॉज इमिडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो। तो जो मास्टर थे उन्होंने क्विंटन को तुरंत अपना अप्रेंटिस रख लिया अपने स्टूडियो में। ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। तो उन्होंने उससे शादी की जिसे वो प्यार करता था, और उसके बाद एक अपने एज का वो सबसे फेमस पेंटर बना। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वॉट ईच अदर फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव अ परफेक्ट इलियोजनास्टिक लाइकनेस इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो दो स्टोरी दो इंसिडेंट बताई गई वो क्या कहना चाह रही है, क्या अचीव करना चाह रही है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, दोनों ही इंसिडेंट दोनों ही स्टोरीज में हमने ये देखा कि जो पेंटिंग्स थे बिल्कुल रियल थे, और ये यूरोप की बात है और एक बात है एशिया की। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशन्स अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट आउटर अपीयरेंस। तो जो चाइनीज स्टोरी में था एम्परर ने आदेश दिया पेंटर को पेंटिंग बनाने के लिए, और उसके आउटर अपीयरेंस को वो निहारते रहे, उसकी बहुत तारीफ की। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। बाद में आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग का ट्रू मीनिंग एम्परर को बताया। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी he has conquered, but only the artist knows way within. एक राजा ने अपने मान लीजिए कि एक जगह जीत ली, एक राज्य जीत ली, वो तो उस राज्य पे शासन तो कर सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ही है जो उसका रास्ता जानता है, उस राज्य का कहाँ कैसे जाया जा सकता है। Let me show the way, the word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. तो यहाँ पर जो है कि ये जो आर्टिस्ट होता है वही बताता है, रास्ता बताता है, मेथड बताता है, और मेथड्स बताता है क्या है ये पेंटिंग में, किस चीज के बारे में ये पेंटिंग डिनोट कर रही। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। जो पेंटिंग है वो गायब हो चुकी है, वो जा चुकी है, लेकिन जो आर्टिस्ट है उसने हमें ये रास्ता दिखा दिया कि अपने गोल तक कैसे पहुंचे। In the Chinese story, the emperor commissioned a painting and appreciates its outer appearance. A classical Chinese landscape is not meant to reproduce actual view as would a Western figurative painting. तो जो Chinese landscape होता है painting का, वो हमें actual view नहीं दिखाता, actual वही नहीं दिखाता जो उसमें दर्शाया गया है, उसका meaning कुछ और रहता है, लेकिन जो Western paintings होते हैं उसका meaning वही रहता है जो paintings में दिखता है। Whereas the European painter want you to borrow his eyes and look at the particular landscape exactly as he saw it from a specific angle, the Chinese painter does not choose a single viewpoint. तो यहाँ पर जो European painters होते हैं वो ऐसा मानो लगता है कि उन्होंने आपकी eyes को borrow उधार ले लिया है और वही आपको दिखा रहा है, जो वही आपको दिख रहा है जो वो दिखाना चाह रहा है, लेकिन Chinese painting में ऐसा नहीं होता है, वो single viewpoint नहीं होता है, उसमें अलग अलग viewpoints होते हैं। His landscape is not a real one and you can enter it from any point then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and back again in a leisurely movement. तो जो आर्टिस्ट लैंडस्केप जो होता है वो रियल नहीं होता है, हम कहीं भी किसी भी पॉइंट से उसे देखें और उसमें ट्रेवल कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं ऐसा लगता है कि हमारे आईज के लिए एक पाथ बना हुआ है और हम किसी भी पाथ से एंटर करके एक ही जगह पर आ रहे हैं। This is even more true in the case of horizontal scrolling, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move one to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. तो जब अगर किसी हम horizontal चीज को खोलते हैं, मान लीजिए एक painting को खोल रहे हैं, तो पहले हम उसे horizontally scroll करेंगे, उसका एक section हमें दिखेगा,
फिर उसको रोल करेंगे ऊपर, उसको खोलेंगे, फिर दूसरा सेक्शन दिखेगा, ये एक टाइम रिक्वायर है, उसके लिए एक टाइम चाहिए। तो वही बताया गया है कि जो पेंटिंग्स होते हैं उसमें उसको समझने के लिए हमको टाइम की जरूरत पड़ती है, हमें बढ़िया से देखना पड़ता है उसे। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर हु डिसाइड एट वॉट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, अ पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकली एंड प्लस मेंटल। तो जो व्यूअर होता है जो पेंटिंग को देखता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से, किस पेस से पेंटिंग को देख रहा है, किस वो किस पेस से उसमें ट्रेवल कर रहा है, उसे समझ में आएगा कि नहीं, यही वो डिसाइड करता है कि वो किस पेस से उसमें देख रहा है। और पार्टिसिपेशन एक व्यूअर का फिजिकली, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से होना चाहिए किसी भी पेंटिंग को समझने के लिए। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आईज, ही वॉन्ट्स टू यू टू एंटर हिज माइंड, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कॉन्सेप्चुअल स्पेस। तो जो चाइनीज पेंटर है वो हमें ये बताता है कि सिर्फ हम मेरे पेंटिंग को देखो मत, एक मेरे माइंड से सोचो इस पेंटिंग में है क्या। और जो वो बोलते हैं जो पेंटर कि मैंने जो ये पेंटिंग बनाया है वो मेरा, उसमें मेरा आत्मा है जिसे मैंने पेज पर उतार दिया है, तो उसे समझने की कोशिश करो। तो ये स्टूडेंट्स, ये था मेरा लैंडस्केप ऑफ द सोल चैप्टर का पार्ट वन। और इस चैप्टर को आगे समझने के लिए मैं देखें इसी चैप्टर का पार्ट टू। थैंक यू।